इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। करते हैं, भारत और पाकिस्तान के दरमियान सियासी कशीदगी ने खेलों को भी लपेट में ले रखा है और भारतीय हठधर्मी के बायस पाकिस्तानी क्रिकेटर्स 2008 के बाद से अब तक आईपीएल का हिस्सा न बन सके। तहम खेलों की वेबसाइट पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की अहमियत के हवाले से एक रिपोर्ट शाया की है। वेबसाइट ने आईपीएल के मुख्तलिफ फ्रेंचाइजर्स के सामने चंद सवाल रखे, जिसके मुताबिक अगर पाकिस्तानी खिलाड़ी आईपीएल में होते तो सबसे ज्यादा कदर किस खिलाड़ी की होती, कौन से खिलाड़ी किस पोजीशन पर खेलते और सबसे ज्यादा किस क्रिकेटर की कीमत होती, जिस पर मुख्तलिफ आईपीएल फ्रेंचाइजर्स ने 5 खिलाड़ियों को मुंतखब किया है। इस पर देखिए ये रिपोर्ट। पाक भारत सियासी कशीदगी ने खेलों को भी अपनी लपेट में ले रखा है। भारतीय हुकूमत की हठधर्मी के बायस पाकिस्तानी क्रिकेटर्स 2008 के बाद से अब तक आईपीएल का हिस्सा ना बन सके। तहम खेलों की वेबसाइट क्रिक इन्फो ने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की अहमियत के हवाले से एक रिपोर्ट शाया की, जिसके मुताबिक वेबसाइट ने आईपीएल की मुख्तलिफ फ्रेंचाइजर्स के सामने चंद सवाल रखे कि अगर पाकिस्तानी खिलाड़ी आईपीएल में होते तो सबसे ज्यादा कदर किस खिलाड़ी की होती, जिसमें 5 खिलाड़ियों का इंतखाब किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा महंगे क्रिकेटर शादाब खान होते, जिनकी कीमत 5 से 6 करोड़ भारतीय रुपए लगाई गई। फास्ट बॉलर हसन अली भी आईपीएल फ्रेंचाइजर्स की नजरों में हैं और उनकी हालिया कारकर्दगी के बायस उनकी कीमत 3 से 5 करोड़ भारतीय रुपए लगाई गई। मोहम्मद आमिर को डेथ ओवर स्पेशलिस्ट करार दिया गया है और उनकी कीमत 3 से 6 करोड़ भारतीय रुपए। प्लेयर्स के साथ खेलें और ग्रूम हो। पीएसएल और आईपीएल में क्या डिफरेंस है आपकी नज़र में और कौन सी लीग ज्यादा बेस्ट है? ऑब्वियसली मैं पीएसएल का ही नाम लूंगी, लेकिन एक ये भी नहीं कि यार वो इंडियंस हैं तो उस वजह से मैं उनकी बात करूँ। बस बात ये है कि फर्क दोनों में बहुत फर्क है, एक ही के आईपीएल जो है वो स्क्रिप्टेड होता है और पीएसएल जो है वो रियल होता है। बस एक दोनों लीग्स बहुत अच्छी हैं, उनके पास बैट्समैन अच्छे हैं, हमारे पास बॉलर्स अच्छे हैं। तो अभी जैसा आईपीएल तो 11 सीजन पे चली गई है, हमारा अभी जो है 5th सीजन स्टार्ट हुआ है। इंशाल्लाह यहाँ पे बैट्समैन अब बेहतर आ रहे हैं, जैसे बाबर आजम देखे हैं नंबर 1 पर है, इसी तरह बॉलर्स हमारे पास अभी जो यंगस्टर्स आपने देखे हैं अंडर 19 से आए हैं, तो पीएसएल उस लेवल पर आ जाएगी, काफ़ी बेहतर हो जाएगी उससे भी। सर डिफरेंस, सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो यही है, जो पीएसएल है वो फुल ऑफ एंटरटेनमेंट है, जबकि जो आईपीएल है वो फुल ऑफ मनी है। उसमें लोग आते हैं सिर्फ मनी बनाने के लिए, इंटरनेशनल असाइनमेंट छोड़ देते हैं और आईपीएल में आते हैं। पीएसएल जो सी है वो फुल ऑफ एंटरटेनमेंट है, यहाँ पर प्लेयर्स आते हैं, लाहौर का खाना एंजॉय करते हैं, लाहौर कराची है वहाँ खाना बिरयानी वो एंजॉय कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जो पीएसएल है वो बेहतर है। डिफरेंस यही है कि वो आईपीएल के 12 सीजन हो गए हैं, पीएसएल का 5वां सीजन है, इसको भी हमें टाइम देना चाहिए, टाइम टू टाइम चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। देखें आप 10 साल तक आईपीएल के जो टीम्स ओनर्स थे उनको पैसे नहीं दिए गए, इधर भी पीएसएल के में भी यही वो है कि शेयर्स नहीं देते उन्हें टीम्स को। अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आप देखें मैचेस आ रहे हैं पाकिस्तान में, पहले एक मैच हुआ, फिर 3 हुए, 8 मैच हुए, पूरा पीएसएल पाकिस्तान में हो रहा है, तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होंगे। आने वाले सीजन में भी पीएसएल पाकिस्तान में होगा। इंडिया आईपीएल जो है वो शुरू से इंडिया में हो रहा है, बेसिक जो फर्क है वो ये है। आईपीएल का जरा बड़े स्केल भी होती है, उसके अंदर ज़्यादा माफिया इन्वॉल्व है, उसके ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है, डेफिनेटली उसकी लीग रिलेटिवली बेहतर है कम्पेयर टू पीएसएल। लेकिन पीएसएल अभी जल्दी अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई है, इसके बहुत ज़्यादा अभी तक सेशन नहीं हुए, तो इट विल इंशाल्लाह इंप्रूव विद टाइम। देखें पीएसएल अभी ग्रो कर रहा है, पीएसएल अभी जिस तरह पाकिस्तान में आई है तो आप देखेंगे कुछ सालों में ये आईपीएल के लेवल पे आ जाएगी, लेकिन क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे क्राउड ज़्यादा है, तो यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता क्राउड बढ़ रहा है और इसका स्टैंडर्ड जो है वो हाई काफ़ी हो जाएगा इंशाल्लाह। ऑब्वियसली आईपीएल इस टाइम पे ज़्यादा एक अच्छी लीग है और डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है दोनों लीग्स में, क्योंकि वो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा है आईपीएल, ठीक है,
बहुत अच्छे और बड़े प्लेयर आते हैं, उनका क्राउड बहुत आता है। हमारे कंट्री में अब सिक्योरिटी इश्यूज़ तो नहीं है, लेकिन अब लोगों की नज़र में तो फिलहाल हैं, क्योंकि हाँ जी बिल्कुल इमेज ऐसा ही है हमारा दुनिया में कि यहाँ पे सिक्योरिटी इशूज़ हैं, इसी वजह से अच्छे प्लेयर्स नहीं आते। अच्छे प्लेयर्स नहीं आएंगे तो रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, और सारी की सारी ये गेम रेवेन्यू की है। जितना पैसा आप ज़्यादा लगाते जाएंगे उतनी अच्छी से अच्छी लीग होती जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि अभी डिफरेंस है, लेकिन आने वाले चंद सालों में ये चीज़ बेहतर हो जाएगी। इस टाइम ऑनेस्टली आईपीएल तो बेस्ट है ना, ये इसमें कोई शक नहीं, नो डाउट आईपीएल बेस्ट है, लेकिन पीएसएल हमारे अपने मुल्क की एक ब्रांड है, इसे हमें करना चाहिए प्रमोट। लेकिन बस इंशाल्लाह प्लेयर्स आएंगे हमारे मुल्क में, पीएसएल इंशाल्लाह फ्यूचर में देखेंगे वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड होगा इंशाल्लाह। इंडिया प्रीमियर लीग बेसिकली वो काफ़ी अच्छे से चल रही है, तो एज कम्पेयर टू पाकिस्तान सुपर लीग के, तो पाकिस्तान सुपर लीग भी बेटर है, लेकिन इसे मजीद थोड़ा सा वक्त दरकार है, इंशाल्लाह ताला वो बेहतर होगा। ठीक है, आप चाहती हैं कि जो इंडियन प्लेयर्स हैं वो पीएसएल खेलने के लिए पाकिस्तान आए और पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो आईपीएल खेलने के लिए इंडिया जाए, आप चाहती हैं क्या ऐसा? बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, क्योंकि यार देखो कंट्रीज एक आपस में जो है वो नफरत नहीं फैलानी चाहिए, उनको भी मौका देना चाहिए हमारे क्रिकेटर्स को वहाँ पर, हमारे को भी देना चाहिए इंडियन यहाँ पे आके खेल रहे, तो ऐसा नहीं फर्क होना चाहिए। प्लेयर्स तो हमेशा से खेलना चाहते हैं, तो प्लेयर्स को कभी मेरा ख्याल कोई एतराज नहीं होता, क्योंकि उनको गेम से प्यार है। तो बस ये हमारे थोड़े से बोर्ड्स का इशू है और अक्रॉस द कंट्री जो बॉर्डर पे इश्यूज हैं उस वजह से प्रॉब्लम्स हैं, वरना प्लेयर्स मेरा नहीं ख्याल कभी एतराज करेंगे। मेरे ख्याल में दोनों मुल्कों की जो आवाम है वो तो चाहेगी कि दोनों मुल्कों के प्लेयर एक दूसरे जगह आगे क्रिकेट खेले, क्योंकि क्रिकेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये स्पोर्ट्स है और स्पोर्ट्स तो दोनों मुल्कों में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सिर्फ जो हमारी सियासी जमातें हैं उन्हीं का मसला है कि उन्होंने बनाया हुआ कि जी हम पीएसएल नहीं खेल सकते, वो आईपीएल नहीं खेल सकते। तो मेरे ख्याल में आवाम तो चाहती है कि हम पीएसएल भी खेलें आईपीएल भी खेलें, पर इंडिया वाले हमारे मुल्क में आए पीएसएल खेलने और हम इंडिया जाके खेलें। बिल्कुल जी बिल्कुल, जाना चाहिए पाकिस्तान को, इंडिया भी जाना चाहिए और इंडिया वालों को पाकिस्तान भी आना चाहिए, इससे हमारा भी एक्सपोजर बेहतर होगा, उन लोगों का भी एक्सपोजर बेहतर होगा, हमारी लीग में भी डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आएगी, उनके भी बहुत इंप्रूवमेंट आएगी। ऑफ कोर्स मेरा ख्याल है कि ये जो एक बॉर्डर लाइन, एक जो बॉर्डर की एक लाइन है, इसमें जो भी मसले मसाइल हैं वो गेम में नहीं आने चाहिए। अगर इंडियन टीम यहाँ पे कबड्डी खेलने आ सकती है तो क्रिकेट टीम क्यों नहीं आ सकती? दूसरी टीम्स, अब इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेट टीम के साथ खेलती है, हमारे जो वो ब्लाइंड टीम थी वो वहाँ पे गई इंडिया में, वहाँ पे जाके खेल ले, तो सिर्फ क्या दुश्मनी यही क्रिकेट टीम की है क्या, मतलब इसमें है? लेकिन अगर मेरा जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये भी बात बुरी है कि अगर वो लोग हमारे साथ नहीं खेलना चाहते तो ठीक है ना खेलें, हमें भी कोई ज़रूरत नहीं है कि उनकी हम मिनते करें, लेकिन जाहिर है कि अगर इनका आपस में मैच हो तो दोनों कंट्रीज़ के लिए इंटरटेनिंग होगा, दोनों कंट्रीज़ के लिए एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट होगा, और इस बारे में इन लोगों को सोचना चाहिए, यहाँ तो फिर सारा कुछ बंद करें। जी बिल्कुल, ऐसा होना चाहिए जो कि नहीं हो पा रहा गवर्नमेंट की वजह से, क्योंकि स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की हद तक रहना चाहिए, पॉलिटिकल सिस्टम इसमें नहीं आना चाहिए, लेकिन हमें हमारे खिलाड़ियों को भी चाहिए कि इंडिया में जाके आईपीएल में खेलें, और आईपीएल के जो से इंडियन प्लेयर्स हैं वो चाहिए पाकिस्तान आए, इस तरह अमन की आशा जो से बहाल होगी, अच्छे ताल्लुकात होंगे, ये जो सा जंग का माहौल बना हुआ इस तरह खत्म होगा, क्रिकेट को हम पॉजिटिव वे के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह का कोई इकदाम नहीं किया जा। आपको क्या लगता है कि क्रिकेट के जरिए दोनों मुल्कों के दरमियान अमन कायम हो सकता है? कोशिश की जा सकती है, और क्रिकेट ही एक ऐसी चीज़ है जो दोनों टीम्स को भी वापस दोबारा ज्वाइन कर सकती हैं, या कंट्रीज़ में जो इनके बॉर्डर पे क्लैशेस हैं उसको ख़त्म करने में काफ़ी हेल्पफुल है क्रिकेट। मेरे ख्याल में इस वक्त जो सबसे आपके पास मेन वेपन है वो है क्रिकेट, क्रिकेट ही दोनों मुल्कों को करीब ला सकती है, जंग इसका कोई हल नहीं है, तो मैं प्रेफर करूंगा कि क्रिकेट को। तो ये वीडियो होता है यहाँ पर ख़त्म, आपको बता दूं आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो अब करते हैं बात पाकिस्तानी मीडिया का जो रिएक्शन था कि पाकिस्तानी प्लेयर की ब्रांड वैल्यू या बिडिंग प्राइस क्या होगी अगर वो आईपीएल में होते, तो उन्होंने जो बिडिंग प्राइस बताई है आपने देखा यहाँ पर बाबर आजम, हसन अली, शादाब खान और शाहीन अफरीदी और इसी तरीके के प्लेयरों की बिडिंग प्राइस बताई गई है मोहम्मद आमिर की। तो आपको बता दें पाकिस्तान के जो प्लेयर हैं मोहम्मद आमिर, वो आईपीएल खेल सकते हैं अगर उन्हें ब्रिटेन की नागरिकता मिल जाए, ब्रिटेन की सिटीजनशिप मिल जाए, और उन्होंने एक तरीके का रास्ता भी बना लिया है क्योंकि उनकी वाइफ है ब्रिटेन से और उन्होंने पाकिस्तान से ले लिया है रिटायरमेंट, और शायद आने वाले समय में उन्हें ब्रिटेन का पासपोर्ट मिल जाए, ब्रिटेन की सिटीजनशिप मिल जाए और वो आईपीएल के लिए एलिजिबल हो जाएँ, जस्ट लाइक अजहर महमूद। आपको बता दें 2013 में अजहर महमूद पाकिस्तान के इंटरनेशनल खिलाड़ी जो रिटायर हो गए थे
वो काउंटी खेल रहे थे और उनकी वाइफ थी ब्रिटेन से और उन्हें आईपीएल खेलने का मौका मिला था ब्रिटेन की नागरिकता होने के कारण। 2013 में आपको याद होगा किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से उन्होंने सीज़न खेला था और वो पाकिस्तानी प्लेयर थे। तो जो 2018 के मतलब 2008 के बाद पाकिस्तानी प्लेयर पर बैन लगा था, इकलौते पाकिस्तानी प्लेयर हैं जो 2008 के बैन के बावजूद भी आईपीएल खेले हैं। तो आपको क्या लगता है पाकिस्तानी प्लेयर जिनको अभी आईपीएल में बैन किया हुआ है, आपको पता है 2008 में जब आईपीएल का पहला एडिशन हुआ था उसके बाद मार्च अप्रैल में एडिशन ख़त्म हुआ और नवंबर में हो गया 26/11, उसके बाद से पाकिस्तानी प्लेयर आईपीएल में बैन है। तो आप ज़रूर बताएं कि आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर को बैन किया जाना अभी तक सही है या उन्हें अनबैन किया जाना चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और जो पाकिस्तानी मीडिया प्रेडिक्ट कर रहा है कि आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर इतने के बिकेंगे उतने के बिकेंगे, तो उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज के आईपीएल ऑक्शन की कुछ अपडेट बता दूँ, आपको बता दूँ आज का आईपीएल ऑक्शन एक मतलब बॉलीवुड थ्रिलर मूवी के जैसे था। बिल्कुल लास्ट में अर्जुन तेंदुलकर को 20 लाख रुपए में जहीर खान ने बिडिंग की और मुंबई इंडियंस के लिए खरीद लिया। अर्जुन तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर के बेटे हैं इसलिए उनके ऊपर वैसे ही खासा प्रेशर है। लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि बाप की वजह से आ गया, बाप की वजह से आ गया, लेकिन लोगों को याद रखना चाहिए कि उसके अंदर है तो खून सचिन तेंदुलकर का। अगर कुछ करेगा तो बड़ा ही करेगा, नहीं करेगा तो रोहन गावस्कर ही बनेगा। तो दोस्तों आपको बता दें आज की हाइलाइट्स अर्जुन तेंदुलकर थे और सबसे महंगे प्लेयर क्रिस मॉरिस जिन्होंने युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ दिया। युवराज सिंह 16 करोड़ में 2015 में आरसीबी के लिए बिके थे और इस बार उन्होंने 16 करोड़ 25 लाख की वैल्यू के साथ मतलब उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया और आईपीएल हिस्ट्री के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए क्रिस मॉरिस। और ग्लेन मैक्सवेल, आपको पता है ग्लेन मैक्सवेल तो हर साल आते हैं और मालामाल हो जाते हैं, कोई परफॉर्मेंस नहीं है इनकी आईपीएल में, लेकिन पैसे कमाए इन्होंने इस बार भी 14 करोड़ 25 लाख रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए। और ये 6 करोड़ 9 करोड़ 10 करोड़ पंजाब के लिए पहले सीजन में, दिल्ली के लिए दूसरे सीजन के लिए, तीसरे सीजन के लिए पंजाब के लिए 10 करोड़ 75 लाख रुपए इन्होंने कमाए थे। तो दोस्तों करते हैं वीडियो ख़त्म। इसी तरीके के प्लेयर आईपीएल में इस बार भी बहुत महंगे बिके हैं और अगली बार होगा मेगा ऑक्शन, उसमें भी आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं ख़त्म।